हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है इंडियन मॉम ऑन ड्यूटी। आज मैं रिव्यू करूँगी पतंजलि SPF 30 विथ नेचुरल मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन। सो आपको पता है कि हम सब के लिए सनस्क्रीन कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सन रेज होते हैं वो हमारी स्किन को डैमेज करते हैं और हमारी जो एंटी एजिंग प्रोसेस है वो बहुत जल्दी चालू कर देते हैं। अगर हम सनस्क्रीन डेली बेसिस पे लगाएं तो बहुत ही अच्छा होता है, जिससे हम लोग सनस्क्रीन के डैमेज से, सन के डैमेज से बच सकते हैं और हमारी स्किन बहुत ही अच्छे से काम कर सकती है। अदरवाइज अगर हमेशा सन डैमेज होता रहा तो हमको डार्क स्पॉट्स, एंटी एजिंग और बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, एज वेल एज हमारे स्किन पे टैन भी आ जाता है। सो ये है SPF 30 जो कि परफेक्ट है इंडियन समर्स एंड इंडियन डे टाइम एप्लीकेशन के लिए। अगर आप घर पे भी रहते हैं तो भी आपके लिए सनस्क्रीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कुकिंग करते हैं, ट्यूबलाइट्स होती है, लाइट्स होती है, जो हमारी लैपटॉप एंड टीवी की स्क्रीन्स होती है उसमें से भी UVB लाइट्स आती है। तो हमारे लिए घर हो या बाहर सनस्क्रीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो गाइज, अगर आप सनस्क्रीन डेली बेसिस पे लगाते हैं तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज से बच सकती है। सो जब पतंजलि सनस्क्रीन के साथ आया मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि पतंजलि की जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर मेनली नेचुरल थिंग्स यूज़ किए जाते हैं। इसके अंदर घृत कुमारी, गेहूं का तेल, नारियल का तेल, खीरा, मेथी, मजिस्टर, अंबे हल्दी और हल्दी का यूज़ किया हुआ है, एज वेल एज इसका बेस मटेरियल है। इसकी कॉस्ट है सिर्फ 100 रुपीज़। ये बहुत ही अफोर्डेबल सनस्क्रीन है, इसको लगाना बहुत ही आसान है। आप अपना जब फेस धो ले उसके बाद आप इसको अपने फेस पे लगा सकते हैं। लगाने में बहुत आसान है, ये इजीली आपके फेस पे स्प्रेड हो जाता है। आपकी स्किन को इंस्टेंटली मॉइस्चराइज करता है, क्योंकि ये आता है नेचुरल मॉइस्चराइजर्स के साथ, तो ये आपकी स्किन को इंस्टेंट मॉइस्चराइज करता है। बाकी सनस्क्रीन की तरह ये आपके चेहरे पे वाइट पैची थिंग्स नहीं देता है, ये इजीली आपके फेस पे स्प्रेड हो जाता है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा रनी नहीं है, बहुत इजीली आप इसे लगा सकते हैं। आप इसको जब अपने चेहरे पे लगाते हैं तो ये थोड़ा सा ऑयल बेस्ड है, तो अगर आपकी स्किन ऑयली है तो मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ये आपकी स्किन को थोड़ा ऑयली बनाता है। बट अगर आपकी ड्राई स्किन है देन इट्स अ परफेक्ट फॉर यू, थोड़ा सा नरिश करता है जो कि हर ड्राई स्किन चाहती है। सो ये सनस्क्रीन आपकी स्किन को नरिश करता है, सन डैमेज से बचाता है, आपकी स्किन को काफ़ी बेटर फील करवाता है और ये परफेक्ट प्रोडक्ट है फॉर अ ड्राई स्किन। सो अगर आप कोई अच्छा सनस्क्रीन देख रहे हैं तो प्लीज़ आप पतंजलि सनस्क्रीन को ट्राई कर सकते हैं, ये एक परफेक्ट सनस्क्रीन है फॉर अ ड्राई स्किन। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो प्लीज़ मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी। मैं इसे लगाती हूँ पर मैंने आज तक इसके वजह से कोई भी साइड इफ़ेक्ट अपने फेस पे नहीं देखा, तो मैं इसके वजह से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सो गाइज, ये था रिव्यू मेरा पतंजलि SPF 30 विथ नेचुरल मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन के ऊपर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गिव मी अ बिग थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर माय चैनल अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड टिल देन टेक केयर।